मैं वो बोलूं ये शायद भाई शायद जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों आप? तो जनाब आज है सैटरडे और मैंने कुछ दोस्तों को खाने की दावत दी है। फिर मैंने ये सोचा कि खाना होटल पे खिलाने के बजाय क्यों ना उनको घर पे खिलाया जाए। और इसके अंदर ट्विस्ट ये है, इंटरेस्टिंग ये है कि खाना मैं ख़ुद पकाऊंगा। तो आज दोस्तों की दावत मैं अपने हाथों से बनाऊंगा और उनको खाने में दे रहे हैं जी हम चिकन छिनवारी। जी नाम तो सुना ही होगा, चिकन छिनवारी बहुत जायकेदार मज़ेदार डिश होती है। और जितनी ये जायकेदार और मज़ेदार डिश है इसका बनाना भी उतना ही आसान है। और थैंक्स टू यूट्यूब जहाँ पे मैंने सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए हैं इसकी रेसिपी के। अब बारी है प्रैक्टिकल की, तो आए मेरे साथ खाना पकाए। जी तो दोस्तों, चिकन शिनवारी हो या कोई भी शिनवारी, सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद चूल्हा, एक अदद माचिस, अच्छी खासी मिकदार में टमाटर, सब्ज़ मिर्च और चाहें तो मेरी तरह शिमला मिर्च भी जायके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक सब्ज़ धनिया गार्निश करने के लिए, घी या कुकिंग ऑयल जो आप पसंद करें, और पकाने के ज़रूरी बर्तन। चूल्हे को लगाई आग और शो शुरू। चूँकि मेरा मकसद आपको रेसिपी बताना नहीं, लिहाजा कमेंट्री बंद और वीडियो को देख के अंदाज़ा कर ही लेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। जी तो ऐसा है कि मेरे दोस्तों को, क्योंकि मेरा एड्रेस मालूम नहीं है, वो पहली बार मेरे पास आ रहे हैं, तो उनको लेने के लिए मुझे थोड़ा मेन लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं उनको रिसीव करने। हमारे मेहमान जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मिला करूँ क्या करूँ, मजबूरी। मैं वो बोल ये शायद भाई शायद मैगी व्हाट्सएप का भाई, फुल टाइम ब्लॉगिंग चल रही है आज का। माशाल्लाह बहुत ही जूसी और लजीज चिकन शनवारी बनी है और दोस्तों से ढेरों तारीफें समेटी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।